हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लॉक रीजनिंग, उसकी दो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो इसको देखने से पहले आप उन दोनों को देखें, जब भी आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। स्टार्ट करते हैं। आप आज के टॉपिक में हम उन दो वीडियो डाले, उसके अलावा कुछ नए टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो जैसे क्वेश्चन दिया है, 5:15 पर घड़ी दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। जबकि मैंने उस पर, वो टाइम बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें क्या एंगल पूछ रहा है। तो इसमें इतने इतने बज पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो फॉर्मूला वही है फ्रेंड्स, एम इजकल टू 2/11 T1 × 30 ±θ। एम क्या होता मिनट, T1 क्या होता स्टार्टिंग टाइम, और थीटा क्या होता एंगल। तो 15 देखिए, 5:15 मिनट है, तो 15 मिनट है, तो इसलिए 15 मिनट की जगह 15 रख दिया। 2/11 T1 क्या शुरुआती टाइम मतलब 5 है, और 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा तो निकालना ही है, इसलिए इसी फॉर्मूले से थीटा को फाइंड आउट कर देंगे। अब इसको सॉल्व किया अपन ने, है ना, सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करें कैसे, 11 का 15 में इंटू हो जाएगा 165 हो जाएगा, 2 का 5 में हो जाएगा 10, 10 का 30 में इंटू करेंगे तो 300 हो जाएगा, फिर 2 का जब यहाँ होगा तो इधर भी होगा तो 2θ हो जाएगा। अब 2θ है, इसको अपन को हमने पहले बताया था कि इस एंगल हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे तो 8, अगर इसको अपन प्लस ले लेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए अपन इसको क्या लेंगे, नेगेटिव ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर जो माइनस प्लस में कौन सी वैल्यू रखेंगे, माइनस रखेंगे, जिससे कि ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एंगल चाहिए अपन को, तो यहाँ पर माइनस इसलिए लिया है। तो ये इधर जाएगा 2θ हो जाएगा, और 300 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे 135 हो जाएगा। थीटा इजकल टू, ये 2 है, ये 135 के नीचे आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 67.5° हो जाएगा। तो ये 5:15 जो मैंने एक बॉस से या घड़ी से अपन दिखा रहे हैं, तो 5:15 के जो बीच का एंगल वो कितना होगा, 67.5°। फ्रेंड समझ में आएगा आपको। इसके बाद एक और अपने एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 10:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये सुई 10:10 पर इसके जो बीच का कोण ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही है, एम इजकल टू 2/11 T1 × 30 ±θ। एम क्या होता है मिनट, T1 शुरुआती टाइम होता है, थीटा एंगल होता है। तो ये 10:10 मतलब 10 मिनट हो गया, 10 मिनट की जगह 10 रख दिया, 2/11 T1 के शुरुआती टाइम मतलब 10, ये शुरुआती टाइम है 10, तो 10 रख दिया, 30 इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 11 का इसमें इंटू होगा 110 हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 × 10 में होगा 20 हो जाएगा, 20 का 3 में करेंगे 600 हो जाएगा, फिर 2 इधर भी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2θ हो जाएगा, फिर से अपन माइनस लेंगे क्योंकि इसको इधर ले जाना है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस नहीं ले सक, इसलिए इसको प्लस नहीं ले सकते, इसलिए इसको माइनस लिया है क्योंकि एंगल चाहिए पॉजिटिव, तो ये माइनस ले लिया है, ये 2θ हो गया, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 490 बचेगा, थीटा इजकल टू इसका डिवाइड कर 245। अब यह 180 से ज़्यादा है तो यह बाहर का एंगल माना जाता है। जब बाहर का एंगल माना जाता है तो हमेशा याद रखना, जब भी 180 से ज़्यादा हो रहा है बाहर का एंगल माना, तो उसको अपन 360 से माइनस कर देंगे, 360 से, ये मैंने बताया भी, 360 से माइनस करके तो एंगल कितना बचेगा, 115। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल कितना बनेगा, 115 है। समझ में आया, फॉर्मूले से सिंपल था ये, बस इसको याद रखें, जब बाहर का एंगल हो जाए तो क्या करेंगे अपन, 360 से उसको माइनस कर देंगे इस तरह। और बताते हैं आपको, ये है 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण बनेगा। इसमें टाइम पूछा है, 3 से 4 के बीच जो मध्य 30 का कोण दिया है, उनके बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 30 अंगल मतलब एंगल कब बनेगा, है ना, किसके बीच, 2 से 3 के बीच, हाँ 3 से 4 के बीच, है ना। तो देख लीजिए, एम फॉर्मूला वही है, एम इजकल 2/11 3 × 30 ±, अभी 30 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, किसके, ये जो एंगल दिया है दिख रहा है आपको थीटा, ये थीटा इजकल टू दिया है, तो थीटा की जगह 30 रख दिया है, तो 3 शुरुआती टाइम है, ये देख लीजिए शुरुआती टाइम है, इसलिए यहाँ 3 रख दिया। फॉर्मूला वही है, क्योंकि अपन को इसमें मिनट निकालना है, इसलिए फॉर्मूला उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/11 इसका इसमें इंटू 90 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि अपन इसमें अब एंगल पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इसको प्लस ले लिया, क्योंकि इसको इधर नहीं ले जाना, तो इसमें पॉजिटिव ले लिया, और 2/240/11 हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे, 21 से 9/11 आएगा,
है ना। अब दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस लेंगे, माइनस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये कितना 60 हो जाएगा, 60 का 2 120 बाई 11, ये आएगा 10 से 10 तो 2 टाइम हो जाएगा, 3:10 11 10 बाई 11 3:21 9 बाई 11। तो देख लीजिए अब इसमें अपन यहाँ देख सकते हैं, 3 के ऊपर वाला 3:10 ये ऊपर वाला हो जाएगा और ये नीचे वाला हो जाएगा, इस तरह दो अपन इसमें दोनों के प्लस माइनस लेके निकाल लेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और एक और नया कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देता हूँ, फ्रेंड समझ में आया होगा आपको, इजी ट्रिक्स। एक ही फॉर्मूला पिछले कंटिन्यू अपने सिंपल सिंपल सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में चल रहा है। हम फ्रेंड एक टाइप्स और आता है जिसमें आपने कभी होगा जो अपनी आवाज़ आती है, बेल बजती है, इस टाइम घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार बोलती है वो, तो बताइए कोई घड़ी अगर बोलती है उतने बार जितने बार समय होता है तो उसका टाइम उसको पूछता कितने बार बोलेगी। तो उसमें एक कंडीशन है बहुत इजी है, भी ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे बोला है 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी, या 24 घंटे में कितनी बार, या कुछ भी और भी पूछता है इतने घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्मूला आता है 1, 2, 3, अब 12 घंटा बोला तो 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक तो जाएंगे नहीं, इसको बार फिर प्लस करेंगे तो टाइम लगता है। तो इसका सिंप्लीफाई एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एन प्राकृत संख्याओं का योग आपने पहले पढ़ा होगा वही वाला फॉर्मूला, एन ब्रैकेट में एन प्लस 1/2, एन क्या है हाइएस्ट नंबर या लास्ट वाला नंबर बोलते हैं, तो एन 12 रखेंगे एन की जगह, फिर 12 + 1 हो जाएगा, 12 + 1 2 से 6 6 बार 53 78, तो कितने बार बोलेगा 12 घंटे में 78 बार बोला, कैसे निकाला ये आपको समझ में आएगा, एन एन प्लस 1/2 फॉर्मूले से कितने बार बोलेगी, तो ये 78 आ गया। अब इस तरह देख 24 घंटे में कितनी बार बोलेगी, अब 24 घंटे के लिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन बेस 12 को लेकर चलते हैं, अगर 12 घंटे से 12 घंटे से या 12 आवर्स से कम का समय पूछता है तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, नहीं तो 12 घंटे में पहले 12 घंटे की निकालेंगे फिर आगे वाले का उसमें निकाल के ऐड कर देंगे। तो 24 घंटे का बोला तो 78, 12 घंटे में 78 बार बोलती है, 24 घंटे में 2.2 करेंगे तो 156 बार बोलेगी, इस तरह से 7 घंटे बोला, 7 घंटे 12 घंटे से कम है तो इसको निकाल देंगे, एन ब्रैकेट में एन प्लस 1/2, 7 + 1/2 28 बार बोलेगी, इस तरह जैसे ये 19 घंटे का पूछ दिया कितनी बार बोलेगी, तो पहले 12 घंटे का निकाल लेंगे फिर 7 घंटे का निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल आएगा 12 घंटे, जैसे अपने ऊपर निकाला आप देख सकते हैं तो 78 बार बोलेगा, 7 घंटे का भी निकाला ऊपर तो 28 बार, दोनों को ऐड किया तो 106 बार, कितनी बार बोलेगी 106 बार। इस तरह अगर बीक का पूछता है, बीक के अंदर 7 का बीक मतलब 7 होता है तो 24 में 7 का इंटू कर देंगे, जितने हावर्स आएंगे उसको 12 के हिसाब से अपन निकाल लेंगे। ऐसे इसमें देख लिए 24 घंटे होते हैं तो कितना 168 तो घंटे ही हुए, अभी कितनी बार बोलेगा 168 घंटे में, तो अपन कैसे निकालेंगे 24 या तो 24 रखेंगे, देखो 24 का अपन ने पहले निकाला था कितना था 156 बार बोलेगी, तो 7 में 24 का इंटू कर दिया, क्योंकि 24 घंटे में एक दिन होता, 7 में एक वीक होता तो ये इतनी बार आ गया है। तो ये एक टाइप्स और था ये भी पूछ लेता कई बार, है ना, इस फॉर्मूले को याद रखें इस फॉर्मूले को। अब नेक्स्ट एक टाइप्स और है वो भी बताते हैं, मिरर टाइम या वाटर में मतलब वाटर में अपन वॉच टाइम देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा या कितना दिखाई देगा, इसको मिरर टाइम बोलते हैं हेडिंग में। तो अब जैसे हमने ये दिखाया है एक वॉच है, इसको जब मिरर है इसको इधर अपोजिट देखेंगे तो इस तरह दिखता है। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले याद कर लो मतलब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ए डब्ल्यू आई टी प्लस आर टी इजकल टू 18:30, इस तरह डब्ल्यू आई टी प्लस आर टी 18:90, ये 18:90 ये कभी यूज होता है जब 30 मिनट से अधिक मान होता है, जब 30 मिनट से अधिक मान दिया हो तब ए वाला फार्मूला देते हैं, और 30 या 30 से कम दिया हो तो ए वाला फार्मूला 18:30 वाला यूज करते हैं। इसको याद रखें यहीं से मतलब इससे अंतर क्या समझ, 30 का 30 दिया मतलब 30 तक का, 30 से ज़्यादा दिया तो ए वाला फार्मूला यूज। अब डब्ल्यू वाटर होता है, आई होता है इमेजिन, आर रियल होता है, टी टाइम होता है, इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन। अपन तो इसको फॉर्मूले की ए वैल्यू याद रखना वगैरह कुछ याद नहीं रखना। जैसे क्वेश्चन एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन दिया है 12:20 एक क्वेश्चन इतना लिख के आएगा और एमआर मिरर का इमेज बनाएगा, तो इसका मिरर इमेज कितना होगा या वाटर इमेज कितनी होगी, तो कैसे करेंगे सिंपल सी, ये देख रहा है 20 ये मिनट हैं, ये 30 से कम है मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा 18:30,
और इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 0 1 8 में 2 का 6 तो 0, मतलब कितना मेरा टाइम होगा 6:10। इस तरह एक और समझ लेते हैं, देखिए 8:10 इसका मेरा टाइम पूछा है, 10 है मतलब 30 से कम है, तो 18:30 लिख दिया, जो टाइम पूछा है उसको माइनस कर दिया, 0 2 0 1, मतलब इसका जो मैं बटर टाइम कितना होगा 10:20। समझ में आया फ्रेंड्स, बस उस टाइम से माइनस करना। अब इसका वो भी एग्जांपल समझ लेते हैं जो अब सेकंड फार्मूला दिया है। ऐसे ये दिया 4:40, मैं टिक कर रहा हूँ आप देखते जाएँ, 4:40 दिया मतलब 40 मिनट ये 30 से ज़्यादा हैं, तो मतलब कौन सा फार्मूला यूज होगा, 1890 फार्मूला यूज हुआ। इसमें 4:40 को माइनस कर दिया, कितना बचा, ऐसे 0 5 8:4 = 4 1, मतलब 14:50। अब 14:50 तो कुछ होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2:50, इसको याद रखें, 14:50 तो कुछ होता नहीं है, कितना मानते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 2:50 हुआ, तो मतलब इसका जो मिरर इमेज वाटर इमेज होगा क्या, 2:50। इस तरह इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, 7:55 दिया, ये 55 से ज़्यादा है, ये 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो मतलब 1890 वाला अपना फॉर्मूला लगेगा, कितना लगेगा 1890, 1890 में से कितना 7:55 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जी ये क्या हुआ 11:35 होगा, मतलब इसका वाटर इमेज टाइम होगा 11:35। तो ये था मेरे फ्रेंड्स दोस्तों, इसको अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएँ, और हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ये थर्ड वीडियो था हमारा क्लॉक का, 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट में बेसिक कंसेप्ट है, उसी से ही दोनों कंसेप्ट बने हुए, एक फार्मूला याद रखना है, उसको आप हमेशा याद रखें, 11/2 m = 11/2 ब्रैकेट में t1 × 30 ± θ, बस इसको याद रखना, t1 शुरुआती टाइम होता है, m मिनट होता है, थीटा एंगल जो भी दिया हो, अलग अलग कंडीशन मैंने बताया एंगल क्या क्या होता है, वह फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।